Cargo, cargo, cargo. दोस्तों मैं पन्नालाल बर्डमैन एक बार फिर आपको मैं एक ध्रुवक पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूं। ये यूएशियन ईगल ओवेट है, जिसको हिंदी में इसे घुघू और हम लोग क्षेत्रीय भाषा में इसे हुदुम पक्षी बोलते हैं। इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 58 से 72 सेंटीमीटर तक होता है, और यहीं इनकी वजन की अगर बात किया जाए तो ये 2 kg 700 ग्राम तक देखा गया है। इनका प्रजनन काल यानी जो इनका जो आशियाना जो बनाता है वो नवंबर से लेकर मार्च तक देखा गया है, और ये मादा यूरेशियन ईगल ओवेट एक बार में 2 ही अंडे देती है, और अंडे देती है, और जो आशियाना जो बनाता है ये इमारत का इमारत में बनाता है या फिर खोरहट में बनाता है, जिसमें जो ये पेड़ का जो खोरहट होता है उसमें बनाता है। मैंने जो देखा था इमारत गिरा हुआ था वहाँ पर देखा था, इससे 2 साल पहले मैंने देखा था। इनकी आशियाना पैर से बगाड़ के बनाता है, और ये पक्षी एक बार में 2 ही अंडा देती है, जो बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है। इनके अंडा सेवने की अगर बात किया जाए तो 18 से 20 दिन तक होता है। इनका मुख्य आहार की अगर बात किया जाए तो ये चूहा होता है, छोटे छोटे ये मतलब सांप होते हैं, सांप होता है आपका, मेढक होता है, ऐसे जीवों को ये खा के अपना जीवन यापन करता है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ये सांप को भी खाता है। मैं पन्ना बाबा बर्डमैन, मैंने जिंदगी का ज़्यादातर टाइम मैंने पशु पक्षी के साथ मैंने बिताया, और मैं ये बोलना चाहूँगा, सॉरी एक सेकेंड, मेरा नाम पन्ना बाबा महतो है, इसे वो बर्डमैन के नाम से जाना जाता है, जानते हैं, और मैं रामगढ़ जिले के कुंदरू सरैया का रहने वाला हूँ। और मैं ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम हमने पक्षियों के साथ रहने का कोशिश किया, और मैं आज भी मैं पक्षियों के साथ ही रहता हूँ। और मैं झारखंड में पाए जाने वाले लगभग 40 तरह के पक्षियों की मैं हूबहू आवाज़ निकाल लेता हूँ, और झारखंड में जितने पक्षी पाए जाते हैं लगभग पक्षियों को मैं आँख बंद करके भी पक्षी प्रजाति बता सकता हूँ। ये प्रेरणा आपको कैसे मिला? मेरा ये प्रेरणा मेरा बचपन से ही मेरा जो पूर्वज थे वो पक्षियों को पालने का परंपरा रहा। ग्रे पेट्रिज और एक जेन्युइन पाराकीट पक्षियों को मतलब पालते आए थे। तो एक दिन की बात है, जब वो जो मेरे अंकल जो थे वो ग्रे पेट्रिज को पाले हुए थे, तो वो खाना मतलब जो होता है उनका जो दीमक मुँह कहा होता है, तो दीमक जो होता है वो हमको खिलाने के लिए बोला, और मैं खाना खिलावा था, तभी से मैं काफ़ी हमको उनसे लगाव बढ़ता चला गया। देखिए झारखंड में लगभग मैं पाए जाने वाले पक्षियों में से 40 तरह के पक्षियों की मैं आवाज़ निकालता हूँ। मैंने सबसे पहले जो पक्षी का आवाज़ निकाला था वो कुरो है, मैं कुरो का आवाज़ निकालता हूँ। मैं अगवा पक्षी की मैं आवाज़ निकालने जा रहा हूँ, ये है रेड जंगल फोर, जिसे हम लोग जंगली मुर्गा बोलते हैं, हम लोग उसका मैं आवाज़ निकालता हूँ।
किसी का फीमेल का मैं आवाज निकालता हूँ अगला पक्षी का जो मैं आवाज निकालना चाहूँ ये घर का मुर्गा है, मैं उसका आवाज सुनाता हूँ पक्षी का जो मैं आवाज निकालने जा रहा हूँ ये झारखंड का बहुत ही कॉमन पक्षी है, ये है स्पॉटेड डॉग, इसको लोग क्षेत्रीय भाषा में तिवेपण की बोलते हैं, मैं उसका आवाज सुनाता हूँ